हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड एंड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है, जहाँ बनती है हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी। आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो अपने आप में एक कम्प्लीट फूड है, पूरी एक कम्प्लीट मील है, जिसे खा करके पेट भी भर जाता है और वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपको वजन घटाना है तो इसके लिए सबसे परफेक्ट रेसिपी है ये, जिसे मैंने बनाया है ओट्स से, और साथ में ली है मैंने मूँग की दाल। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में कम्प्लीट है, इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और हमारे कार्ब्स, हमें सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने गैस पर चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। सिर्फ हम इसे एक पॉट में ही बनाएंगे, कुकर में ही हमारी पूरी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले कुकर जो चढ़ाया, वो अब कुकर गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसमें डालूंगी एक चम्मच शुद्ध देसी घी। आप इसे रिफाइन में ही बना सकते हैं, लेकिन रिफाइन से अच्छा घर का बना हुआ शुद्ध घी रहता है। शुद्ध घी में कोई भी रेसिपी जो बनती है वो अच्छी टेस्टी भी बनती है और साथ में हेल्दी भी रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए थोड़ा फैट भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने आज यूज़ किया है देसी घी। जब ये घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच के लगभग जीरा। जीरा अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। और जब ये अच्छे से चटक जाएगा, जब ये अच्छे से एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इस टाइम मुझे इसमें डाल देनी है दो लाल मिर्च। दो सूखी लाल मिर्च डाली है मैंने, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब ये लाल मिर्च अच्छे से, इसे मैं पहले एक बार चला करके अच्छे से मिला दूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से घी में पक जाए। और जब अब अच्छे से जब ये पक जाएगी, तो मैंने इसमें डाल दिया एक बारीक कटी हरी मिर्च और एक इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके। इन दोनों को डालते समय आँच को बिल्कुल मैंने लो कर दिया है, ताकि कोई भी मसाला जो है वो जले नहीं। और अब मैं डाल दे रही हूँ एक प्याज, बड़ा प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उस प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखिए, ये प्याज थोड़ा सा हल्का सा हम इसे भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। बस हमें इतना ही, लगभग एक मिनट तक इसे भून लेना है, ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। हल्का सा भूनने के बाद ही अब मैं इसमें और बाकी की सब्जियां डालूंगी। तो ये देखिए, ये अच्छे से भून चुका है, देखिए इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है। आज मुझे जो भी प्रोसेस करना है, मैं सिर्फ कढ़ाई इसी कुकर में ही करूँगी। तो इस टाइम मैंने डाल दी है 5 से 7 बीन्स, ग्रीन बीन्स, थोड़ी सी फूल गोभी, सबको बारीक काट लिया है, और साथ में मैं डाल दे रही हूँ एक गाजर, गाजर को भी मैंने बारीक काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम डाल करके बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि घी में ये सारी चीज़ें थोड़ी भून जाए। इसे एक मिनट तक चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। देखिए, इसमें मैंने सारी हरी सब्जियां डाली हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। अब गाजर है इसमें, बीन्स है, फूलगोभी है, साथ में मैंने थोड़े से मटर भी डाल दिए। मैंने पूरे मटर डाले हैं, सीजन के अकॉर्डिंग अगर मटर आते हैं तो आप फ्रेश मटर डालिए, मटर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को डाल करके अब अच्छे से हम भून लेंगे। और अब मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें आधे चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधे चम्मच के लगभग काली मिर्च। मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी लाल मिर्च नहीं डाली है, इसकी जगह पर मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब मैं डाल दे रही हूँ 1/4 कप मूंग की दाल। 1/4 कप मूंग की दाल को मैंने पहले 1 घंटे पहले भिगो कर छोड़ दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो गई है, और इसे मैं डाल दूँगी, और इसे अब मैं अच्छे से भून लूँगी, ताकि दाल, सब्जियाँ सभी कुछ मिल जाए। और इस टाइम पे अब मैं डाल दे रही हूँ 1 कप ओट्स। ओट्स को मैं एक बार नहीं डालूँगी, आधा आधा करके डालूँगी। पहले मैंने आधा ओट्स डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लूँगी। अब हमेशा ये रखना है कि एक कटोरी अगर हम ओट्स लेते हैं, तो उसकी 1/4 कटोरी हम मूंग की दाल लेंगे। ये हमेशा आप किसी भी कटोरी से इसका नाप लीजिए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए सेम ही कटोरी यूज़ कीजिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ओट्स डालती जाऊंगी और ओट्स को मिक्स करती जाऊंगी, ताकि ओट्स सब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इसी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो ये मैंने 1 कटोरी डाला, और इसके साथ ही 1 कटोरी पानी और डाला। इस तरह से 2 कटोरी मैंने भी पानी डाला है, थोड़ा पानी और मैं बाद में डालूंगी। तो ये मैं अच्छे से एक बार मिक्स, मैंने पानी में सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर दी है, और एक उबाल आने तक इसको हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा ये जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, इसके बाद हम और पानी इसमें डालेंगे। तो अब देखिए, ये उबाल आने पर मैंने 1 कटोरी पानी और डाल दिया। इस तरह से टोटल मैंने 3 कटोरी पानी डाला है,
और कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है। ढक्कन बंद करके इसे हम 4 सीटी आने तक पकाएंगे। सीटी हमें एकदम तेज़ आंच पर ही लानी है, हमें इसे लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। तेज़ आंच पर 4 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए सीटियाँ आनी शुरू हो गई है। इसी तरह देखिए 4 सीटियाँ जब आ जाए तो इसे हम गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक इसे छोड़ देंगे। देखिए अभी सीटी पूरी निकल चुकी है, ठंडा हो चुका है। तो ये मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा खाना बना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। ये कंप्लीट, पूरा कंप्लीट मील है। इसमें सब्जियां, दाल, ओट्स सभी कुछ है। तो अगर आप इसे 1 महीने तक ट्राई करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका वज़न बिल्कुल घटेगा। तकरीबन 7 से 8 किलो वज़न बिल्कुल कम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इसके साथ आपको एक्सरसाइज और खाने पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ इसे खाते हैं तो, और साथ में कुछ डिटॉक्स वाटर या फिर कुछ हर्बल टी लेते हैं, तो साथ में आपका वज़न ज़रूर आपका कम होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ खाने से ही वज़न कम नहीं होता, साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट में सर्व करने के लिए डाल दिया है। तो ये देखिए ये खिचड़ी इतनी अच्छी लग रही है। अगर एक प्लेट हम इसे खा ले तो हमारा पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा और हमें बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और बनने में भी उतनी ही आसान है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।